बिस्मिल्ला खिलाफत अबासवाल पजीर होने के बाद इस्लाम को एक मरकज पर जमा करने वाली सल्तनत सल्तनत सलजोग थी सलजोगी तुर्कों ने ना सिर्फ खिलाफत अब्बास को बहाल किया बल्कि मुसलमानों को एक मरकज के तहत इकट्ठा करके एक बड़ी सल्तनत कायम की और दुनिया के एक बड़े हिस्से में इस्लाम की इशाद भी की जबकि तारीख में पहली बार मुसलमानों के मुकदस मकाम मक्का और मदीना पाक अरबों के हाथों निकल कर तुर्कों के इंतजाम इस हवाले से आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुर्क दरअसल कौन थे सुलझौकी तुर्कों ने इस्लाम कैसे कबूल किया सुलझौकियों के एरूज जवाल से लेकर अरतल गाजी के दौर तक की तारीख का जायजा लेंगे दोस्तों तुर्क दरअसल एक खाना बदोश कौम थी जो मशरकी एशिया और वस्त एशिया में घूमती फिरती थी और वक्ता फवक्ता मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप की आबादियों पर हमला आवर होकर इनको वीरान कर देती थी छठी सदी ईस्वी में तुर्कों ने अपनी एक जबरदस्त सल्तनत कायम कर ली जो मंगोलिया और चीन की शुमाली सरहद से लेकर बहराई असब तक फैली हुई थी इस तुर्क सल्तनत की बानी का नाम तारीख में बूमैन दर्ज है और ये गोक तुर्क सल्तनत के नाम से जानी जाती थी बूमैन का एक भाई अस्तामी था जिसने मगरब में कई फतवाहा करके मौजूदा काजगिस्तान के इलाकों पर कब्जा करके एक अलग सल्तनत कायम कर ली चीन इन हुकूमतों को शुमाली तुर्क और मगरबी तुर्कों की सल्तनत के नाम से याद करते थे मगरबी तुर्कों में तरगेशन का कबीला सबसे मुमताज था जिसके सरदारों ने खकान का लकब इख्तियार करके अपनी हुकूमत कायम की यह सातवीं सदी ईस्वी का दौर था जजिया नमा अरब इस्लाम की रोशनी से मनवर हो चुका था और मुस्लिम अफवाज कसरा की अजीम सल्तनतों का गरूर खाक में मिला चुकी थी तुर्कों और अरबों के दरमियान ताल्लुक पहली सदी हिजरी में शुरू हुए जब खलीफा वलीद अवल के अहद में प्रतिभा बिन मुस्लिम ने बुखारा समरकंद, खीवा, ताशकंद और काश्कर के तुर्क इलाके फतेह करके वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की सात सौ सैतीस ईस्वी में खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक के जरैल नसर बिन सिया ने मगरबी तुर्क सल्तनत तरगेशन पर हमला करके इसे खात्मा कर दिया लेकिन जल्द ही अरबों का जोर टूटने के बाद तुर्कों ने सात सौ छियासठ ईस्वी में एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जिसे या औगा सल्तनत के नाम से जाना जाता है तुर्कों की यह सल्तनत आज के काजगिस्तान के मुसिल इलाके में कायम थी और एक बुध परस्त रियासत थी जिसका मजहब टेंगरीजम था और ये एक आसमानी खुदा टेंगरी और रूहों को मानते थे आले सलजूक के जद्दे अमजद का नाम दकाक था जो तुर्कों की इसी सल्तनत में एक फौजी कमांडर था दकाक का एक बेटा सलजोग था और इसी सलजोग के नाम से ये खानदान मशहूर हुआ सलजोग अपने गैर मुस्लिम तुर्क फरमा को छोड़कर खवारजम और बुखारा की इस्लामी सल्तनत में चला आया और यहाँ वो और इसका पूरा कबीला मुसलमान होकर बखारा के करीब मकाम जंग में क्याम पजीर हुआ एक तुर्क कबीले का सरदार था इसके बाद इसने गैर मुस्लिम तर्कों पर फतुहात हासिल करके अपनी कुवत बहुत बढ़ा ली सलजोग बेग के पांच बेटे थे जिनमें से एक का नाम मेकाइल था और इसी मेकाइल के बेटे तगरल बेग थे जिन्होंने दस सौ तो सैतीस ईस्वी में अजीम सलजोग सल्तनत की बुनियाद रखी तगल के वालिद का से एक लड़ाई में शहीद हो गए जिसके बाद इनकी परवरिश इनके दादा सलजोक ने की और इसीलिए उन्होंने इस सल्तनत का नाम अपने दादा सलजोक के नाम पर रखा दोस्तों ये ग्यारहवीं सदी ईस्वी का शुरुआती दौर था मौजूदा अफगानिस्तान के इलाके गजनी में गजनवी की हुकूमत थी जो इस वक्त मशरक में हिंदुस्तान के बुद्ध प्रस्तों पर तूफानी यलगारों से इस्लाम का परचम सर बुलंद कर रहा था इसी दौरान महमूद गजनी को मगरब में एक परेशानी का सामना करना पड़ा जब इसे वस्त एशिया में अफरा सयाबियों और सलोकियों की बढ़ती हुई ताकत की इतला मिली सलौकियों और अफरासियाबियों सयाबियों की बढ़ती हुई ताकत को अपनी सल्तनत के लिए खतरा महसूस करते हुए महमूद गजनी ने वस्त एशियाई इलाकों पर हमला करके सुलजौकियों का जोर तोड़ दिया लेकिन दस सौ तीस ईस्वी में महमूद गजनवी की वफात के बाद तगरल बेग ने अपनी ताकत को दोबारा मुस्तकम किया और महमूद गजनी के बेटे मसूद को सलोकियों से कई शिक्षों का सामना करना पड़ा और आले सलजोक तमाम खरासान पर काबिज हो गए। इसके बाद तगरल ख्वारजम अशहान तब्रेज और ईरान के एक बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गए यह वो जमाना था जब आबासी खिलाफत का दारकूमत बगदाद बदनज़मी का शिकार था और बगदाद पर आले बोया का कब्जा था बगदाद के अबासी खलीफा कायम बिल्ला ने तगरल बेग को मदद के लिए तलब किया जिसके बाद बगदाद पर आले सलोग का असर कायम हो गया और तगरल बेग ने इराक मुसल और दिया बाकर पर कब्जा करके अपनी सल्तनत को वसी इलाके पर फैला लिया ग्यारह सौ तिरसठ ईस्वी में तग्रल बेग की वफात के बाद इसका भतीजा अलपरसलान तख्त पर बैठा जिसने अनातोलिया में बादलतीनी सल्तनत की तरफ पेश कदमी की और दस सौ ईस्वी में मिलाज की लड़ाई में अपने से कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त देकर अनातोलिया मौजूदा तुर्की में तुर्कों की आबादकारी की राह हमवार कर दी अलपरसलान के चादा भाई कतलमश बेग ने अलपरसलान के खिलाफ बगावत की लेकिन दस सौ तिरसठ ईस्वी में रे के करीब एक जंग में मारा गया कतलमश का एक बेटा सलमान कतलमश जान बचाकर फरार हुआ और अनातोलिया चलाया और दस सौ सतर में नाइसिया पर जो बाद सल्तनत का एक मशहूर शहर था पर कब्जा करके नई सल्तनत की बुनियाद रखी जो कि रोम की सरजोक् सल्तनत या सलाजकह रोम कहलाई बहर अल अर सलान मश्रक में एक फौजी मुहिम के दौरान दस सौ बहत्तर ईस्वी में शहीद हो गए और इनका बेटा मलिक शाह हुआ मलिकाह सुलजोकियों का तीसरा हुआ था जिसका दौर सो का सुनहरा दौर कहलाता है मलिकाह ने अना तोलिया में सलमान इबन कल्तमश की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हुए इसे एक मातहत सलजोकी रियासत तस्लीम किया लेकिन दस सौ छियासी ईस्वी में इन दोनों सुलजोकी सल्तनत में इख्तलाफ पैदा हुआ और एक जंग में सलमान इब्ने कतलमश भी अपने बाप की तरह मलिक शाह के भाई तोशिश के हाथों मारा गया और सलमान के बेटे क्रिज अरसलान को कैदी बना लिया गया मलिक शाह के दौरे हुकूमत में ही हसन बिन सबा के बातनी फिरके की दहशत गर्दी अरूज पर पहुंची और इसके कातलों ने कई सलजोकी उम्र को कतल किया दस सौ बानवे ईस्वी में मलिक शाह को बगदाद के करीब जहर देकर शहीद कर दिया गया जिसके बाद सुलजौकियों का जवाल शुरू हो गया और वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो गए सुल्मान इब्न कतलमश के बेटे क्लीजर सलान कैस से फरार होकर अनातोलिया पहुंचा और अपनी खुद मुखतारी का ऐलान कर दिया शाम में मलिक शाह के भाई तोशिश और बाकी सल्तनत मलिक शाह के बेटों में तकसीम हो गई इराक में मलिक शाह के बड़े बेटे बरखियारक फारस पर महमूद अव्वल और خراسان में अहमद سنجار ने हुकूमत कायम कर ली लेकिन इसके बावजूद سلجوقیوں में शदीद खाना जंगी शुरू हो गई। बर्फ यारक ने महमूद अव्वल की हुकूमत का खात्मा किया और अपने चाचा तोशिश को देकर एक बड़ी हुकूमत कायम कर ली लेकिन के बेटे तपड़ ने इससे बगावत कर दी और इन दोनों भाइयों के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई। 1105 ईसवी पांच ईस्वी में बर्फ यारक नौ साल दौरे हुकूमत के बाद मफाद पा गया जिसके बाद इसका बेटा तख्त पर बैठा लेकिन मलिक तपर ने इस पर हमला करके अपने भतीजे को कत्ल किया और खुद हुक्मरान बन गया जबकि खरासान पर बदस्तूर अहमद हुक्मरान रहे जो कि इन खाना जंगियों से दूर थे ग्यारह सौ अठारह ईस्वी में तेरह साल हुकूमत के बाद मलिक तपर भी वफात पा गया जिसके बाद इसका बेटा महमूद दोम सजोकी सुल्तान बना जिसके खरासान में मौजूद अपने चचा अहमद संजार से अख्तलाफात पैदा हुए और अहमद संजान ने एक जंग में महमूद को शिकस्त दी और सलोकी सल्तनत के नए हुक्मरान बन गए लेकिन उन्होंने महमूद को माफ करते हुए इराक और शाम के कुछ इलाकों पर इसकी हुकूमत बहाल कर दी इराक में मौजूद महमूद दोम की हुकूमत ग्यारह सौ इकतीस ईस्वी में इसकी मौत के बाद फिर से खाना जंगी में तब्दील हो गई और मजीद कई टुकड़े होकर खत्म हो गई जबकि मशरक में खरासान और ईरान में मौजूद सुल्तान संजर की हुकूमत ग्यारह सौ सत्तावन ईस्वी में इनकी वफात के बाद खत्म हो गई और इन सरजोकी इलाकों पर शाही सल्तनत ने कब्जा कर लिया और वस्त एशिया में मौजूद अजीम सरजोकी सल्तनत का खात्मा हो गया इन सब हालात के बाद सुलजोक की हुकूमत सिर्फ अनतौलिया मौजूदा तुर्की में कायम थी जिसे अलपर के कजन सलमान इबन कलत ने कायम किया था और मलिक शाह की मौत के बाद इसके बेटे बेटेसलान ने कैद से फरार होकर इसे दोबारा बहाल कर लिया था कि एक बहादुर और जंगजू सरदार था इसने मजीद कई बाद तीन किले फता और को भी अपनी में शामिल किया लेकिन इसी दौरान सलीबी जंगें शुरू हो गईं और पहली सलीबी जंग में सलाजकाय रोम की कुत को सख्त सदमा पहुंचा इनका दारुल हुकूमत नाइसिया और एशियाई कोचक के कई इलाकों पर इनकी हुकूमत का खात्मा हो गया और इन इलाकों पर बादल का कब्जा हो गया अब सिर्फ अनातोलिया का अंदरूनी हिस्सा इनके पास रह गया था लेकिन इसके बेटे मसूद बिन किलिज ने इस गिरती हुई सल्तनत को संभाला और कुनिया को पाए तख्त बनाकर एक मजबूत हुकूमत कायम की इसके जानशीन किलिज अरसलान सानी ने अपनी फतुहात से सल्तनत में मजीद इजाफा किया ग्यारह में इसकी वफात के बाद रियासुद्दीन के खसरू अव्वल तख्त पर बैठा और इसने जंग करके ताकिया की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और उसके जानशीन इज़ुद्दीन के कावस अव्वल ने मजीद कई फतवाहत की के कावस के दौरे के बाद अलाउद्दीन कैकबाद का दौरे शान शोकत के लिहाज से सलाजक रोम में अपनी नजीर नहीं रखता लेकिन अलाउद्दीन कैकबाद की ग्यारह सौ ईस्वी में वफात के बाद सलाजक रोम का भी जवाल शुरू हो गया इस दौरान मंगोल जो दरअसल तुर्कों के जद अमजद बोमैन की नस्ल में से थे वस्त एशिया में मौजूद सल्तनत खबार्जम को तबाह करते अनातोलिया तक पहुंच चुके थे और ख्वार से तबाह हाल तुर्कों की आखिरी उम्मीद अनातोलिया में मौजूद सलाजका सल्तनत थी इन ही तुर्क कबाइलों में जो चंगेज खान के हमले के बाद अपना वतन छोड़ कर हिजरत कर रहे थे अरतगल का कबीला भी शामिल था जिसका उलाउद्दीन ने एक जंग में मदद के बदले सगौत में कुछ इलाका जगीर के तौर पर दिया अलाउद्दीन के एक की वफाद के बाद इसका बेटा रियासुद्दीन के खुसरू सानी तख्त नशीन हुआ और इसके दौरे में सल्तनत का सवाल शुरू हो गया जो फिर न रुक सका इस दौरान में ततारी तूफान एशियाई कोचा की सरहद तक पहुंचा और अर्ज रोम और सरहदी किलों पर ततारियों का कब्जा हो गया आखिरकार बारह सौ तैतालीस ईस्वी में कोसदाक की जंग ने दौलत सलजोकिया की किस्मत का फैसला कर दिया आले सलजोक की आजादी हमेशा के लिए खत्म हो गई सुलह के बाद अगरचा तारी चले गए लेकिन बारह सो पैतालीस ईस्वी में के सानी की पर जब इसके तीनों लड़कों की हुकूमत की वजह से सल्तनत में बदन पैदा हुई तो मंगोलों ने फिर हमले शुरू कर दिए इस दरमियान में इसका एक लड़का मारा गया और तख्त के दावेदार बकिया दो लड़के ईज्जुद्दीन और रुकनउद्दीन रह गए हलाकू खान ने सल्तनत को इन दोनों में तकसीम कर दिया मगरबी सूबे ईज्जुद्दीन और मशरकी सूबे रुकन उदीन को दिए लेकिन दरअसल की थी और, मंगोलों के और पर थे उमरा सल्तनत ने अहले मिस्र से मदद की दरख्वास्त की और मिस्रियों ने रुकनउद्दीन बेब्रस की सरबराही में एशियाई कोचक में ततारियों को शिकस्त देकर भगा दिया लेकिन इनकी वापसी के बाद मंगोलों ने पूरी तरह इंतकाम लिया और दौलतिया के रहे से को भी खाक में मिला दिया। सल्तनत की कमजोरी से, से ज्यादा मुमताज थे ततारियों ने बारह इन खुद सर अमीरों को जेर करने की कोशिश की मगर आजी शिक्षतों के बाद अपना इकतेदार फिर कायम कर लेते थे और सातवी सदी हिजरी में ततारियों के जवाल पर उन्होंने मुस्तकिल कायम कर ली से लोकिया के खात्मे के करीब एशिया कोचक में कई खुद मुख्तार रियासतें कायम हो चुकी थी और इनमें एक रियासत अर्तगल की भी थी बारह सौ इक्यासी ईस्वी में अर्तगल ने नब्बे साल की उम्र में इंतकाल किया और सगौत के करीब दफन हुआ अर्तगल गाजी की वफ़ाद पर बेटा उस्मान इसका जानशीन हुआ यह दौलत उस्मानिया का बानी था और पहला सुल्तान था अरतगल ने अपने जोर कुत और दौलत सलोकिया के तफरीक और इंतशार के बावजूद कभी खुद मुख्तारी का दावा नहीं किया अगरचा कई सलोकी उम्र ने सल्तनत की कमजोरी से फायदा उठाकर मोतज खुदसर हुकूमतें कायम कर ली थीं लेकिन अरतगल खुद आखिरी दम तक सुल्तान कुनिया का वफादार और जागीरदार ही रहा उस्मान ने भी यही रविश इख्तियार की और अपनी से सुल्तान की चारों शवकत को एक हाथ तक महफूज रखा ये वो जमाना था जब दौलत के दम तोड़ रही थी और एशिया कोचक में मुल्की फैली हुई थी बहरहाल बारह सौ निन्यानवे ईस्वी में जब सलोकी सल्तनत अपने जवाल की आखिरी हदों को छू रही थी इस वक्त सुल्तान उस्मान गाजी ने खुद की उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी जो तकरीबन छह सौ साल तक कायम रही